गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम टेस्ट के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिले। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक भी जरूर करें और शेयर भी करें। तो हम बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो जिन लोगों ने अपने टेस्ट का आंसर दिया उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्स्ट पुष्पेंद्र चौरसिया 10 आउट ऑफ 10, सेकेंड नंबर पर रजा एमडी 9 आउट ऑफ 10, थर्ड नंबर पर योगेश जाटव 10 5 आउट ऑफ 10, और फोर्थ नंबर पर रामाधार किरार 4 आउट ऑफ 10। तो केवल 4 ही लोगों ने अपने आंसर कमेंट किए। तो दोस्तों टेस्ट का आप जरूर दिया करें। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर और टेस्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करें तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट का, क्या दिया हुआ है कि पानी की एक टंकी ए और बी नलों द्वारा क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट में भरी जा सकती है। मान लीजिए एक नल ए है, ये टंकी को कितनी देर में भरता है? 5 मिनट में। तो ये मान लेता हूँ ए 5 मिनट में भरता है और जो बी नल है वो इसे 6 मिनट में भरता है, ठीक है लिखा हुआ। जबकि नल सी इसे 8 मिनट में खाली करता है। एक सी नल है जो इसे 8 मिनट में खाली करता है। अब ये खाली करने वाला है तो इसे हम गोल कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाए कि ये नल खाली करने वाला है। सबसे पहले बात करें इसके एलसीएम की, तो एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम हो जाएगा इसका 120, ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 120, यही नल की क्षमता है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 24। 6 से इसको डिवाइड करेंगे इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 20। और 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 50, ठीक है। अब आपको बोला गया है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। इस बार हमें टंकी पूरी नहीं भरनी, केवल 3/4। तो टंकी की क्षमता कितनी है? 120। तो इस 120 का हम 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 से आप इसे देखेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 30, और 30 से 3 90, यानी हमको टंकी केवल 90 भरनी है अपॉन में। अब बोला गया है तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तो एक साथ खोलेंगे तो देखिए ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये उसे खाली करेगा। क्यों? क्योंकि सी खाली करने वाला है। तो 24 और 20 44 पानी जाएगा और 15 तुरंत निकल आएगा, तो कितना पानी जाएगा एक बार में? 29, यानी 90 लीटर की टंकी 29 की क्षमता से भरेगी। तो अब आप इसे काट लीजिए, नहीं तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा ना, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि उन्होंने इसको केवल इतना ही सॉल्व किया। अगर आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 15 व 20 घंटे में भरते हैं। यानी एक नल ए है जो इसे 15 घंटे में भरता है, एक नल बी है जो इसे 20 घंटे में भरता है, ठीक है। जबकि बोला गया है जबकि तीसरा नल सी इस भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली करता है। यानी एक नल हमारे पास सी है जो इसे 25 घंटे में भरता है। तो अब आप सी को गोल कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला नल है। बोला गया प्रारंभ में तीनों नलों को खोल दिया जाए और 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? देखिए अब पहले तो इनके एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम आएगा इसका, इसका एलसीएम 300 आएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखिए 15 20 और 25, तो आप इसे 5 से काट लेंगे, 5 से इसे काटेंगे 3 बार, 5 से इसे 4, 5 से इसे 5। अब आप देखेंगे तो ये कितना आएगा? 4, देखिए 3 4 5 का एलसीएम कितना आता है? तो ये आपको पता है 60 आता है, 60 5 300, यानी 60 × 5 कितना हुआ? 300। तो 300 इसका क्या है? एलसीएम यानी टंकी की क्षमता। अब बोला गया प्रार अब इनको देखिए, अगर ये टंकी 300 की है
और 15 घंटे में भर गई, तो इसकी इफिशियंसी कितनी रही होगी? 20। इसकी इफिशियंसी कितनी रही होगी? 20 से आप डिवाइड करेंगे 300 को, तो 15, और इससे देखेंगे तो ये कितनी आएगी? 12। अब बोला गया है कि प्रारंभ में तीनों नलों को एक साथ खोला जाए और 10 घंटे के बाद सी को बंद करना है। तो पहले हम 10 घंटे चलाते हैं, तो देखिए ये 20 लीटर पानी डालेगा, ये 15 लीटर पानी डालेगा, तो पानी कितना हो गया? 35। लेकिन ये 12 लीटर पानी माइनस भी कर देगा, क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला है। 35 में से अगर 12 गए तो बचे कितने? एक बार में ओवरऑल पानी कितना जाएगा? 23। और इसको 10 घंटे तक करना है हमें, तो ओवरऑल पानी कितना आ गया? 230 लीटर। तो आप 300 में से 230 लीटर पानी को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना पानी? आप कहेंगे 70 लीटर पानी केवल बचेगा। अब आपको पता है कि सी को बंद करना है, तो अब हम सी को क्रॉस कर देते हैं। अब सी नहीं चलेगा, अब केवल ए चलेगा और बी चलेगा। तो ए की क्षमता 20, बी की कितनी बार? 15। तो दोनों की मिला के कितनी हो गई? 30। 35। अब आप 70 लीटर की टंकी को 35 से भरेंगे, 35 से, तो कितना आंसर आने वाला है यहाँ से? 2। मतलब 2 घंटे तो ये लग गए और 10 घंटे ये लगे थे, तो टोटल कितना समय लग गया? 12। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, जबकि 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 क्षमता नल से आधी है। ठीक है ना, जबकि खाली जो होगा ना, ये छेद होगा यहाँ पर, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है, तो बताएं नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना है? देखिए अगर हम बात करें कि एक नल जब भरता है टंकी को, तो ये एक नल ए है, ये भरने वाला है, और एक नल क्या है? बी, जो इसे खाली करने वाला है। तो मैं इसे गोल कर देता हूँ। ठीक है, अब आप पढ़िए, टंकी की तली में छेद होने के कारण एक टंकी को भरने में 36 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। मतलब अगर उसके साथ साथ चालू करने वाला नल और भरने वाला दोनों चलें, तो उसको 36 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है। तो अगर मैं नल की क्षमता 2 मान लूँ, तो इस जो होल की क्षमता है उसकी, टंकी में जो लीकेज है उसकी क्षमता कितनी है? आधी। तो आप देखेंगे 2 ये पानी भरेगा और 1 ये निकाल देगा, क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो ओवरऑल पानी कितना जाएगा? आप कहेंगे 1। और ये नल अकेला चलेगा भरने वाला, तो इसको समय, इसको ये पानी कितना डालेगा? 2। तो आप देखेंगे 2, ये किसकी बात चल रही है? टाइम की। ये टाइम लग रहा है उनको, है ना? तो अगर ये टाइम लग रहा है, तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इफिशियंसी हो जाएगी उल्टी, यानी कि 1 और ये कितनी? 2। तो आप देखेंगे इसको भरने में 1 लगता है, इसको भरने में 2, यानी 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, पर ये 1 किसके बराबर है? 36 के, क्योंकि एक समय ज़्यादा नहीं, देखिए पहले एक समय लग रहा था, अब 2 लग रहे हैं, तो कितना ज़्यादा लग रहा है? 1, पर ये 1 नहीं था, कितना था? 36, है ना? तो आपसे पूछा गया है कि उसको भरने का सही समय क्या है नल को, तो नल को भरने का सही समय कितना हो जाएगा? 36, क्योंकि इसको 36 टंकी है। अभी 36 टंकी को 1 की क्षमता से आप भरें, तो सही समय कितना लगेगा? 36 ही लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं फिर समझा देता हूँ। बोला गया था कि टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे एक्स्ट्रा समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है। यानी आप देखेंगे अगर मैं इसकी क्षमता 2 मान लेता हूँ, तो जो होल है उसकी क्षमता आधी होगी 1, और 2 ये पानी डालेगा, 1 ये निकालेगा, तो पानी कितना जाएगा अंदर? 1। ठीक है, ये पानी कितना डाल रहा है? 2। तो आप देखेंगे इसकी उल्टा कर देंगे, तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। यहाँ से हमने आंसर कितना निकाल लिया? 36। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो पहले से भरे पानी की टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? मतलब टंकी खाली करनी है, तो देखिए एक पाइप है इसे 8 घंटे में भर रहा है, तो ए पाइप इसे 8 घंटे में भरता है, और जो बी पाइप है वो इसे 5 घंटे में खाली करता है। तो मैं इसको गोल कर देता हूँ, ये खाली करने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना? 40।
इसकी क्षमता 5 और इसकी क्षमता 8, ठीक है। अब आपसे बोला गया ये दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो पहले से भरी हुई टंकी, यानी पहले से भरी हुई टंकी है तो टंकी की क्षमता तो 40 है, दोनों खोल दिए तो टंकी कितने समय में खाली होगी। तो देखिए ये 5 पानी डालेगा और ये 8 निकालेगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि 5 जाएगा और 8 निकालेगा, मतलब 3 पानी ऑलरेडी ज्यादा निकालेगा। तो आप देखेंगे ये 40 लीटर की टंकी भरी हुई है, इसमें 5 जाएगा और 8 निकलेगा, यानी 3 लीटर पानी हर बार में एक्स्ट्रा निकलेगा। तो अब ओवरऑल इनकी क्षमता कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 3, तो 3 से इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 3 39, 1/3, यानी 13 सही 1/3 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहले से भरी हुई टंकी यानी 40 लीटर की टंकी भरी है, ए पानी कितना डाल रहा है 5 और बी कितना निकाल रहा है 8, तो आप कहेंगे सर -3 लीटर है, मतलब बी एक्स्ट्रा निकाल रहा है। तो एक्स्ट्रा निकालेगा कहां से, जो टंकी पहले से भरी हुई है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टंकी के नीचे एक लीक इसको 6 घंटे में खाली करता है, एक लीक है जो इसे 6 घंटे में खाली करता है, ठीक है। एक नल जो 4 लीटर पानी प्रति मिनट के हिसाब से भरता है, अगर दोनों को एक साथ खोला जाए, मतलब ये तो खाली करने वाला नल है और 6 घंटे में भर रहा है। अब इसके साथ साथ वो कह रहे हैं एक भरने वाले नल को हम चालू कर रहे हैं, तो उसको चालू कर दिया जाए, बोला गया ना। देखिए यहां से एक नल जो 4 लीटर पानी प्रति मिनट के हिसाब से भरता है, अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो उसको भरने में कितने 8 घंटे लगते हैं। तो अब इसको भरने में कितने लगेंगे 8 घंटे, तो हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8 और 6 का 24। अब आप देखिए इसकी क्षमता कितनी आएगी 4, इसकी क्षमता कितनी आएगी 3, और दोनों ही टंकी को क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए ए नल जो खाली करने वाला लिखा है ना 6 घंटे में खाली करता है, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, तो ए खाली करने वाला कितना है 4। तो ए अगर 4 खाली करेगा तो मैं यहां देख रहा हूं कि ए और बी दोनों चलते हैं तो वो तो 3 ही खाली कर रहे हैं। ए अगर 4 खाली करता है अकेला किसी चीज को तो ए और बी तो 3 ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो 4 ही कर रहा होगा, तो ये 1 लीटर पानी डाल रहा होगा, ठीक है ना। तभी तो ये 4 खाली कर रहा है और ये डाल रहा है, तो ओवरऑल दोनों चल रहे हैं तो 3 पानी खाली हो रहा है। तो इसकी क्षमता कितनी है 1। तो अब आप देखिए इसकी दी कितनी है, एक नल जो 4 लीटर पानी प्रति मिनट के हिसाब से, मतलब ये जो 1 लीटर पानी डाल रहा है इसकी क्षमता 1 नहीं है, कितनी है 4, और वो भी प्रति मिनट, जबकि ये सारा डेटा घंटे में है तो हम इसको घंटे में बदल लेते हैं, तो कितना होगा 6 चौके 24 यानी 240। तो 1 यूनिट का मान अब कितना आ गया 240। तो टंकी की क्षमता बतानी है, टंकी की क्षमता कितनी थी 24, तो इसको 1 यूनिट का मान कितना है 240, 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 1 0 लगी है, तो टंकी की क्षमता कितनी आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, टंकी के नीचे एक लीक 12 घंटे में खाली कर सकता है, एक नल चलाया गया जो 20 लीटर पानी प्रति मिनट हिसाब से भरता है, तो अब दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है, टंकी की क्षमता बताएं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी अभी किया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए एक नल ये खाली करने वाला है और ये इसे 12 घंटे में खाली करता है, ये लिखा है ना 12 घंटे में खाली करता है, ठीक है। एक नल चलाया गया जो भरने वाला है 20 लीटर पानी प्रति मिनट भरता है, इन दोनों को चलाया जाए, यानी आप एक को तो चला ही रहे हैं ये खाली करने वाला, साथ में एक नल और चला रहे हैं जो बी है भरने वाला, तो इसको भरने में कितना समय लगता है टंकी को खाली होने में, सॉरी 20 घंटे, तो इसका मतलब इसको कितना समय लगेगा 20 घंटे। एलसीएम लेंगे तो कितना आने वाला है, एलसीएम आएगा 60, क्योंकि 12 15 और 20 का एलसीएम 60 आता है, इसकी एफिशिएंसी आएगी 5 और इसकी एफिशिएंसी आएगी 3। तो देखिए अब चूंकि क्या बोला गया, दोनों नलों को खोला जाए तो टंकी 20 घंटे में खाली होती है, इसका मतलब ये दोनों ही नल खाली करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूँ तो मैं माइनस कर देता हूँ उसको ना, ये दोनों ही, क्योंकि टंकी दोनों ही केस में खाली हो रही है, ये खाली करने वाला पाइप है तो इसको भी मैं गोल कर देता हूँ, तो ये भरने वाला पाइप है। अब आप देखिए ए कितना पानी खाली करता है 5, तो मैं ए की एफिशिएंसी यहाँ लिख देता हूँ 5, ए और बी दोनों चलेंगे तो पानी केवल 3 खाली हो रहा है, ए अपना 5 लीटर पानी खाली करता है तो बी के साथ चले तो केवल 3 खाली होता है, तो इसका मतलब 2 कम खाली हो रहा है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नल है ये भरने वाला होगा,
तभी तो 5 में से 2 -5 में से 2 जाएंगे, 2 प्लस करेंगे तो -3 बचेंगे। इसका मतलब भरने वाले की क्षमता कितनी है? 2, पर ये 2 नहीं है। आप अच्छे से देखिए इसको कितनी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कितनी है, 20 लीटर प्रति मिनट। तो 2 बराबर कितना है? 20 लीटर प्रति मिनट। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? आप कहेंगे सर 10। अब ये 10 लीटर प्रति मिनट है, लेकिन ये सारा काम क्या है, आर्स में हो रहा है, घंटे में, तो इसको हम घंटे में बदलेंगे तो ये कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 600। 1 यूनिट का मान 600 आ गया। तो अब आपको क्षमता पूछी है तो क्षमता से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। कितनी जीरो लगी है? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है नल ए और बी क्रमशः किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक नल ए है जो 10 घंटे में भर रहा है, एक नल बी है जो इसे 15 घंटे में भरता है। ठीक है, 15 घंटे में भरता है। एक नल ए है जो 10 घंटे में भर रहा है और एक नल बी है जो इसे 15 घंटे में भरता है। आगे बोला गया एक निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली करता है, यानी एक नल और है निकासी, वो इसे क्या करता है, 20 घंटे में खाली कर रहा है। तो ये खाली करने वाला है तो इसको हम गोल कर देते हैं। अब आपसे क्या बोला गया, आरंभ में ए और बी को खोला गया और जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया गया कि गलती से एक सी नल खुला रह गया था, तो अब सी को बंद कर दिया तो टंकी भरने में कितनी देर लगेगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक आपको पाइपिंग सिस्टम के चैप्टर में करा दिया है। इसीलिए मैं दोस्तों आपसे बोलता हूं कि पहले आप चैप्टर को टाइप वाइज देखें, उसके बाद फिर आप टेस्ट करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। देखिए अब मैं इसमें क्या करता हूं, एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, तो एलसीएम का काम होता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर एलसीएम तो 60 आ जाएगा। तो इसकी क्षमता कितनी? 6। इसकी क्षमता कितनी? 4। और इसकी क्षमता कितनी? 3। ठीक है, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो मान लीजिए मेरे घर पर एक टंकी है, उसमें 2 नल ये भरने वाले लगे और एक खाली करने वाला लग गया, और जैसे ही मैं इन दोनों को चालू करके चला गया और मैंने सोचा कि अब वो भर गई होगी, उस समय वापस आया तो मैंने क्या देखा कि ये गलती से नल खुला रह गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोग बाग इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते और क्वेश्चन नहीं बना पाते ज्यादातर, लेकिन हम इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए आप मुझे ये बताइए, अगर ये नल नहीं खुला होता तो टंकी कितनी देर में भरती? तो आप बोलते सर टंकी की क्षमता तो 60 है, और आप ये दोनों नल चलाते तो 4 और 6 दोनों पानी जाता, इस तरह से 10 यूनिट पानी एक बार में जाता तो सर आपको 6 मिनट लगते, या घंटे हैं तो घंटे मान लीजिए आप इसको, 6 घंटे लगते। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जो 6 घंटे नल चले हैं उनमें ये भी चला है क्योंकि ये गलती से खुला रह गया, तो इसकी क्षमता कितनी थी? 3। तो आप 3 की क्षमता से 6 घंटे तक किसी नल को चलने देंगे तो पानी कितना निकलेगा? 18, क्योंकि 18 इसकी 3 क्षमता है, खाली करने वाला है। तो ये तो अब इसको बंद कर दिया गया तो टंकी अब आपकी भरी थोड़ी होगी, क्यों? क्योंकि 18 लीटर पानी निकल गया है। तो एक्चुअल में टंकी आपकी कितनी भरी है अगर कोई पूछे तो? 60 में से 18 माइनस करेंगे तो 42 लीटर की ही टंकी केवल भरी है। तो अब आप कहेंगे कि सर इस 18 लीटर की जो टंकी भरी है अब इसको बंद कर दिया गया है, तो मैंने बंद कर दिया। अब ए और बी भरेंगे तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है? 4 और 6 10। तो 18 लीटर की टंकी को अगर आप 10 से भरेंगे तो आपकी क्षमता कितनी आएगी? समय कितना लगेगा? 9/5, यानी 5 एकम 5 और 4 शेष बचा और 5 से भाग दे रहे थे, 1 सही 4/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर होगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए एक नल ए है जो इसे 10 घंटे में भर रहा है, एक नल बी है जो इसे 15 घंटे में भरता है, और एक सी नल भी लगा है इसी में जो इसे 20 घंटे में खाली करता है। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 60 आ गया, इसकी क्षमता 6, इसकी इफिशियंसी 4 और इसकी इफिशियंसी 3। अब आपसे क्या बोला कि अगर ये दोनों नल चलते तो टंकी भर जाती, कितनी देर में भरती? तो आप कहते हैं सर 60 लीटर की टंकी है और 10 से पानी डलेगा तो 6 घंटे लगेंगे उसको।
तो ये गलती से ये नल भी खुला रह गया है, तो कितनी देर तक खुला होगा, क्योंकि जब आप वापस आए हो 6 घंटे बाद, तो 3 लीटर की टंकी, 3 लीटर से 6 घंटे तक पानी कितना जाएगा अंदर, मतलब निकलेगा 18। अब इसको बंद कर दिया है तो इस 18 पानी को ये दोनों भरेंगे, इन दोनों की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे इन दोनों की क्षमता है 10। तो अब आपको समय कितना लगेगा, 9/5। इसको और सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, हम उसको बहुत ही सरल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, तो देखिए, 3 नल हैं ए बी सी, किसी टंकी से जुड़े गए हैं। ए और बी टंकी को 20 और 30 घंटे में भरते हैं और सी से 60 घंटे में खाली करता है। यानी एक नल ए है जो इसे 20 घंटे में भरता है और एक नल बी है जो इसे 30 घंटे में भरता है और एक नल सी है ये खाली करता है इसे 60 घंटे में। ठीक है, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम कितना आ गया 60। इसकी इफिशियंसी भरने वाले की 3, इसकी इफिशियंसी 2 और इसकी इफिशियंसी 1। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपसे क्या बोला गया है कि क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है कि नल ए और सी को पहले घंटे के लिए खोला गया, तो पहले घंटे के लिए, तो मैं यहां लिख देता हूं पहला घंटा यानी फर्स्ट आर। ठीक है, पहला घंटा कौन खोलेगा, ए और सी, तो ए भरेगा सी खाली करेगा क्योंकि खाली करने वाला है। तो आप देखेंगे ए कितना, 3 पानी डालेगा और सी कितना निकालेगा, 1। तो ओवरऑल पानी कितना पहुंच गया अंदर, आप कहेंगे 2। बोला गया ए और सी पहले घंटे में खोले जाते हैं, दूसरे घंटे में बी और सी, यानी जो पहला घंटा था अब ये दूसरा घंटा होगा, तो दूसरा घंटा जो होगा उस दूसरे घंटे में क्या होगा, बी और सी खोले जाएंगे। दूसरे घंटे में बी माइनस सी, सर माइनस क्यों, क्योंकि सी खाली करने वाला है, बी कितना भरेगा 2, ये कितना खाली कर देगा 1, तो 2 - 1 पानी कितना पहुंचा 1। तो अब मैंने क्या देखा कि ओवरऑल घंटे कितने हो गए हैं, आप कहेंगे सर पहला और दूसरा घंटा यानी 2 घंटे, पानी कितना गया है 2 और 1, 1 ये भी चला गया, कितना पानी गया है 3। तो अब आप देखिए टंकी कितने लीटर की है 60, तो एक बार में 3 पानी जाएगा, 2 बार में 6, तो मैं 3 में ऐसा कितना मल्टीप्लाई कर दूं कि 60 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये टंकी पूरी भर जाएगी। तो 20 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो ये कितना होगा 40, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हुए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 3 नल जिनका व्यास, 3 नल हैं जिनका व्यास दे रखा है आपको, देखिए 3 नल हैं जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तीनों को एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि उनमें से बड़ा, सबसे बड़ा इसे 16 घंटे में भर सकता है। तो प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा को वर्ष के अनुपात है। देखिए मुझे इतना पता है कि 3 नल हैं ये, ठीक है 3 नल हैं, तो मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी है ना, आप कुछ भी मान लीजिए एक्स वाई जेड। तो ये ए नल है, ये बी है और ये सी है। तो अब आप देखिए इसका व्यास, व्यास यानी डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है, तो आप कहेंगे इसका डायमीटर, देखिए इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर और इसका 4 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया डायमीटर जो होता है, अगर हमें उसका एरिया देखना है कि उसमें पानी कितना निकल रहा है, तो डायमीटर यानी साइड्स होती है, ये भुजा होती है। तो मैंने आपको इस क्लास में बताया भी था जब आगे पढ़ाया था कि जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें एरिया मिल जाता है कि उसका एरिया कितना है उस पाइप का। तो इसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 16। सर ऐसा क्यों करते हैं, तो इसको डिटेल में जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे उसमें हम आपको 2D में और 3D में बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए 1, 2, 3 ये इनकी क्या है, एरिया आ गया। तो अब आपसे क्या बोला गया है कि जो सबसे बड़े वाला है उसको 16 घंटे भरता है, तो ये एरिया है, यही इसकी इफिशियंसी भी है। एरिया यानी जो क्षेत्रफल है, ये इसकी इफिशियंसी भी है ना। तो 16 की क्षमता से, अब देखिए E(T)=W होता है सर, ये तो आपने पहली क्लास में बताया था, क्षमता इंटू समय बराबर काम होता है। तो क्षमता कितनी है 16, बड़ा वाला नल है ये 16 और 16 घंटे तक ये चला है, तो इस समय काम कितना हुआ होगा, तो आप कहेंगे 256। ठीक है,
अब ये टोटल काम मिल गया, तो अब आपको बोला गया कि ये तीनों एक साथ मिलकर उसे कितनी देर में भरेंगे, तो तीनों भरेंगे तो तीनों की क्षमता आ जाएगी, तो एक और ये कितना आ गया, चार पाँच, पाँच और 16 21, यानी 21 से इसे काटना है हमें, 21 एकम 21 कितने बचे, चार, 21 दूनी 42 कितने बचे, चार से भाग दे रहे थे और 21 से ये चार से इस फल है और 21 है, तो 12 सही, 4/21 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं फिर बताया तो देखिए, ये जो डायमीटर है, जो पाइप होता है हमारा, वो डायमीटर होता है, ठीक है ना, तो आप देखेंगे इसकी डायमीटर एक है, इसका डायमीटर दो है, इसका डायमीटर तीन चार है, तो इनका एरिया कितना होगा, मतलब पानी किस फ्लो में बह रहा होगा, तो आप कहेंगे इसका एरिया एक रहेगा, इसका एरिया चार हो जाएगा, इसका एरिया 16। तो अब आपसे बोला गया है जो ये सबसे बड़ा वाला नल है, ये 16 घंटे में टंकी भर देता है, तो इसकी क्षमता अगर 16 है और 16 घंटे लग रहे हैं तो 256 लीटर की टंकी होगी, और अब इनको सब मिलकर कितनी देर में भरेंगे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तीन नल जिनका व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा नल अकेला ऐसे 61 मिनट में भर सकता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो हमने दिया था। तो मैं मान लेता हूँ कि तीन नल हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका डायमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना है, 4/3 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है, 2। तो इसका डायमीटर अगर 2 है, तो आप देखेंगे इसका डायमीटर अगर 2 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस फ्रैक्शन को ठीक कर लेते हैं। इस फ्रैक्शन को अगर हम ठीक करते हैं, तो फ्रैक्शन को ठीक करने के लिए क्या है, 3 का मल्टीप्लाई इधर और इधर हो जाएगा, 3 एकम 3, और ये कितना है, 4, तो 4 ही रहेगा, 3 दूनी 6, यानी इनकी भुजाएं जो आ गई, जो डायमीटर आया है उसका अनुपात कितना आया है, 3:4:6। अब ये तो साइड से, तो मैं शॉर्ट में एस लिख देता हूँ, या आप डायमीटर लिख सकते हैं। अब इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया इसका स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 6 का स्क्वायर कितना 36। तो ये इसका एरिया है और यही इसकी इफिशियंसी भी है भैया, जिस हिसाब से जो इसका क्षेत्रफल है वही उसकी क्षमता भी तो होती है, ठीक है ना। तो इसकी क्षमता बोला गया सबसे बड़ा वाला नल, ये जो नल है 36, ये इसकी क्षमता है, और ये कितने मिनट में, 61 मिनट में टंकी को भर रहा है, तो ये टोटल काम माना जाएगा कि नहीं, 36 की क्षमता से 61 मिनट में आप भरोगे तो इतना काम होगा, और अब उनको सबको मिलके भरना है एक साथ, तो अब एक साथ चलेंगे तो देखिए 9 और 6 कितना 25, और ये भी एक साथ चलेगा 36, तो ये कितना हो जाएगा 61, यानी ये कितना हो जाएगा, 61 की क्षमता से भरेंगे तो 61 से 61 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 36 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिले, और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें और ग्रुप में शेयर करें। आज हमारा एक फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट ग्रुप जिसमें कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पूरा टाइम एंड वर्क ग्रुप कंप्लीट कर लिया है, जिसमें टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया है, वर्क एंड वेजेस भी कंप्लीट हो गया, और पाइप एंड सिस्टम भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने इसका टेस्ट भी आज कंप्लीट कर लिया। तो टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस और पाइप ऑन सिस्टम, इनको जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज ये क्लासेस डली हुई हैं, और अगर आप चाहें तो चैप्टर का नाम डाल के भाई संतोष गुप्ता यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अभी हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, जिसमें हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी क्लास कल से हमारी रेगुलर होगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कई बार बोलता हूँ कि टेस्ट को जरूर दिया करें, तो अगली बार जो टेस्ट होगा वो जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा हम उसका टेस्ट कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।